वेलकम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते। आई होप आप सबके रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे होंगे। तो आज इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ चिकन साटे। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम चिकन ली हूँ और मैंने इसको ना ऐसे लंबे स्ट्रिप्स में कट की हूँ, ठीक है। इसके साथ ना मैंने यहाँ पे स्टिक्स भी निकाल के रखी हूँ, मेरी लंबी थी तो मैंने इसको कट की हूँ हाफ में, ठीक है। तो ऐसे तो हमें इसके अंदर उसको चिकन को ऐड करना है, ठीक है। तो अभी इसमें सारे मसाले डालते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। तो सबसे पहले डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये चिकन साटे एकदम भटियारी स्टाइल, जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल नहीं खाते जो मीनारा मस्जिद के वहाँ पे भी मिलती है, तो इसका टेस्ट एकदम वैसे ही आएगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैंने एग भी पहले ही क्रैक करके रखी हुई इसके अंदर, ठीक है। तो इधर 1/2 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ओके। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा कुकिंग क्रीम, सॉरी नॉट क्रीम, रोज़ा लग गया लगता। तो फिर 1 टीस्पून इसमें हम कुकिंग क्रीम डालेंगे। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अगर कुकिंग क्रीम नहीं है तो फ्रेश क्रीम ऐड कीजिए, फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर आप जो दूध की मलाई रहती है ऊपर की वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत मज़े का लगता है ये, आप ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आती खाने के लिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर भी हमारा, ठीक है। ये हो गया 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ओके। तो ये भी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला। अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप कोई भी तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास तंदूरी मसाला नहीं था, टिक्का मसाला था, तो मैं टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं शान का ये टिक्का मसाला 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐड मसाला से इसमें हो गया। अब इसमें हम वाइट तिल जो रहता है हमारे सेसमी सीड्स वो ऐड करेंगे। इसको भी स्किप मत करना, जब ये फ्राई होता है ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें 1 टीस्पून हमने वाइट तिल जो हमारी सेसमी सीड्स रहती है वो भी ऐड कर ली। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर, ओके। तो इसमें आ गया हमारा, ये हो गया कॉर्न, ज़्यादा भी नहीं, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून इस इनफ, या फिर सीधा 1 टेबलस्पून डालेंगे तो भी चलेगा। मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन साटे का जरा रेड रेड कलर ना अच्छा दिख के आता है। तो यहाँ पे हम रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम असेंबल कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसको ना आप अच्छे से मैरिनेट करके भी रखना, ठीक है। एटलीस्ट आधा घंटा तो रखिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको अच्छे से अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, ठीक है, और इसको मैं एटलीस्ट 1/2 आवर के मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो इसको पहले मिक्स करने के बाद आप मैरिनेट करके रखना, उसके बाद फिर इसको जो ये स्टिक्स हमने लिए हैं उसमें हम ऐड करेंगे, बट इसको अभी फिलहाल हम मैरिनेशन के लिए रखते हैं। मैं ना थोड़ा और 1/2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कम है। तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना तो वो सही रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसको चलो मिक्स करते हैं और रखते हैं मैरिनेशन के लिए। हमारी मैरिनेट हो गई है, ठीक है। तो अभी ऐसे ये स्टिक्स लेंगे और ये जो चिकन है इसको हम एक एक करके स्टिक में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ऐसे इसको पुश करके ऐसा लंबा इसको हम इसको, अरे इसको थोड़ा और मैं इस पे से डालती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम सारे चिकन साटे रेडी करके लेंगे, ठीक है। जब पतली पतली ये स्ट्रिप्स लेना, प्लीज़ मोटी मोटी नहीं लेना, बिकॉज चिकन साटे ना पतला पतला रहता है। देखिए एक और स्ट्रिप मैं उठाती हूँ, देखिए ये हमारी स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह, थोड़ा इसको अंदर पुश करेंगे और ये साइड को भी ले लेंगे अंदर। तो हमारी लंबी सी थोड़ा और इसको अंदर कर देंगे, तो ये लंबी हमारी स्टिक हो गई है,
तैयार। ठीक है, सारे अभी मैं बना के लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे चिकन साटे यहाँ मैंने सारे रेडी करके रखी हूँ। अब मैंने पैन में ऑयल ली हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह बोल के एक एक हम उठाएंगे और इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। पहले ऑयल को आप हाई फ्लेम पे गरम कर लेना, ठीक है, उसके बाद इसको स्लो टू मीडियम के बीच में आप कुक कर लेना और एक मिनट एक साइड पे, आप दो तीन मिनट के लिए कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट साइड पे दो तीन मिनट, और ओवर क्राउड मत करना, ठीक है, वरना वो फिर चिपकने लग जाएंगे। तो पहले मैं इतने ही डाल रही हूँ, एक साइड से हो जाएंगे। और एक टिप दूंगी आपको कि इसमें ऑयल में डालने के बाद आपको इसको टच नहीं करना, एक साइड से एक दो मिनट तक कुक हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसे टर्न करना, वरना फिर क्या हो जाएगा, जो कोटिंग वगैरह हमने किए मसाले वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कुक होने देते हैं। अभी चिकन साटे फ्राई हो रहे, तब तक मैंने साबूदाना वड़ी भी बना के रखी हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सेट होने के लिए फ्रीजर में रखी थी, तो चलिए उसको भी निकालते और इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे तेल डीप फ्राई का गर्म होने रखते हैं और फिर साबूदाना वड़ा भी करके बिस्मिल्लाह बोल के फ्राई करें। हमेशा हाई पे पहले तेल गर्म करने का, उसके बाद उसको स्लो और मीडियम के बीच में रख के कुक करने का। इसकी रेसिपी मैंने डाली नहीं हूँ, बट ये बहुत सिंपल है, सब लोग बनाते हैं। साबूदाने को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगाने रख दी थी, और फिर एक बॉइल्ड पटेटो, इसमें थोड़ा सा पीनट का चूरा जाएगा जिसे क्रश करके, और कोरिएंडर है, मिर्ची डाली हूँ मैंने चॉप करके, जीरा, अखा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसको मिक्स करके अभी हम तेल गर्म हो जाएगा तब इसको बिस्मिल्लाह एक साइड से हो गया है। देखिए तब माशाल्लाह से इसका कलर आया है और खुशबू तो आप पूछिए मत, बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना है। एक साइड मैंने 1 से 2 मिनट के लिए रखी थी और इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है, वरना सारी हमने जो कोटिंग मसाला वगैरह सब निकल जाएगा। तो अभी इसको ये साइड से भी मैं 1-2 मिनट के लिए कुक होने दूँगी। ठीक है, ये कितना अच्छा कलर आया इसका, माशाल्लाह ब्यूटीफुल, और खाने में भी बहुत यमी बन। मैं इसमें बिस्मिल्लाह बोल के साबूदाना वड़ा एक करके ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, मेरा तो बहुत फेवरेट है साबूदाना वड़ा, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोची आज चलो बनाते हैं। बहुत महीने हो गए बनाए नहीं, तो सोचे चलो आज बनाते। मेरी मम्मी को भी साबूदाना वड़ी बहुत बहुत पसंद है, मम्मी ये तुम्हारे लिए बना रही हूँ और खुद खा रही हूँ। चलिए अभी मेरे हो गए हैं, तो यहाँ मैं एक एक करके इसको प्लेट में निकाल दूँ, कितना माशाल्लाह कलर आया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको सारे हम प्लेट में निकालेंगे और ये जो बचे हैं इसको भी फिर मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसका सॉस बनेगा जो इसके ऊपर जाता है, जैसे हम स्ट्रीट स्टाइल में खाते हैं ना, भटियारी स्टाइल का, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। आप लोग ट्राई करना और मुझे बताना कि आप सबको कैसा लगा। तो चलिए अभी दूसरा लॉट भी डालते हैं, फिर जब सॉस बनाऊंगी तब मैं आपको बता दी कि इसका सॉस कैसे बनाते हैं। तो जब तक हमारे साटे फ्राई हो रहे हैं तब तक इसका हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाली हूँ, इसमें हमने डाले हैं 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम जीरा, अखा जीरा, और 2-3 हम इसमें कल ऐड करेंगे। ठीक है, फ्लेम हम सॉस की ना स्लो रखेंगे, वरना वो थोड़ा जल्दी से ना बर्न होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शेजवान चटनी। अभी आपके पास शेजवान सॉस है तो सॉस ऐड कीजिए, अब मेरे पास चटनी है तो मैं चटनी ऐड करूँ। ठीक है, इसमें डालूँगी, ये जो बॉटल है इसकी ऑलमोस्ट 1/2 बॉटल लगेगी, तो समझ लीजिए 4 या 5 टेबलस्पून शेजवान चटनी चाहिए इसमें। ओके, तो ये ऐड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमेटो केचप। ओके, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें टमेटो केचप का ऐड करेंगे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली सॉस। ये 1 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये नई मेरी बॉटल है, तो देखते हैं ये इतनी खोल के दो, एक मैंने तसर खोल के दे रहे, तब तक यहाँ साबूदाना वड़ा भी हमारा हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा रेड चिली सॉस ऐड करूँ, बस इतना सा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून शुगर। शुगर मिस मत करना, इससे ही मस्त उसका स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा ऐड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे
और इसके जब तक तेल ऊपर ना आ जाए, ये अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। अब इसमें एक और चीज जाएगी, वो है चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाले से जो फ्लेवर एनहांस होगा इसका, आप सबको माशाल्लाह बहुत मजा आएगी, बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें अभी हम 3/4 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे, एकदम ओवर भी नहीं डालेंगे। और ये इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, तो जब हमारे साटे रेडी हो जाएंगे ना, तो ऐसे एक प्लेट में निकालना है हमें, और फिर ये सॉस इसके ऊपर से डालना है। ठीक है, ये सॉस के अंदर, ये वेसल में आप चिकन ऐड मत कर देना। ठीक है, इसको हम ऊपर से ऐड करेंगे। फ्राई करके हो गए, इसको प्लेट में निकालते हैं और अभी इसके ऊपर सॉस डालते हैं। सॉस जो हमने प्रिपेयर किया है ना, अभी ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ऐसा हम सारा सॉस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सॉस में भी अगर आपको चाहिए तो आप कलर डाल सकते हैं, के लिए बहुत लोग सॉस में को भी रेड रेड बनाने के लिए डालते हैं, बट चिकन में हमने डाल दिया ना, तो आई थिंक इट इज इनफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से इस पे बिस्मिल्लाह, इसको फिर अच्छे से इस पे हम डालेंगे चाट मसाले की पाउडर। ठीक है, और साथ में हम इस पे गार्निशिंग के लिए डालेंगे सेसमी सीड्स। और ये हमारा मजेदार सा चिकन साटे हो गया है तैयार। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आप लोग भी बनाना, बहुत अच्छा बनेगा। और ऐसे उठा के और फिर खाइए, इंजॉय कीजिए।